उत्तर प्रदेश की धौरहरा लोकसभा सीट पर भी आखिरकार रिजल्ट आ गया। शुरू से ही कई बार आगे और कुछ देर के लिए पीछे चलने वाले गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया आखिरकार जीत गए। इस बीच तमाम उनके समर्थकों की धुकधुकी चलती रही, क्योंकि बड़े सारी बातें इस बीच निकल करके आईं। जीत हार का अंतर कम था तो कई बार आशंकाएं इस बात को लेकर भी बनी रहीं कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, लेकिन आखिरकार लखीमपुर प्रशासन ने निष्पक्षता से और पारदर्शी तरीके से मतगणना को संपन्न करा दिया। और आपको बता दें, धौरहरा लोकसभा सीट का परिणाम आ गया है। गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया चुनाव जीत गए हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की दो बार की सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा चुनाव हार गई हैं। तो चलिए अपने सहयोगी के पास चलते हैं और जानते हैं धौरहरा का हाल। धौरहरा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी। मतगणना यहां पर बड़ा दिलचस्प रही, क्योंकि जीत हार का अंतर कम था। हालांकि शुरुआती दौर में आनंद भदौरिया ने बढ़त कुछ ज़्यादा बनाई थी, लेकिन जीतते जीतते वो अंतर कम हो गया। तो निशान, जरा बताइए धौरहरा को लेकर कि धौरहरा में क्या कुछ रहा। धौरहरा में जैसा आपने बताया कि उठापटक चलती रही, जीत का अंतर आनंद भदौरिया ने पहले बहुत अच्छी बढ़त बनाई और बढ़त बनाने के बाद जो है वो धीमे धीमे धौरहरा में कम होती रही। फिलहाल अब जो है आनंद भदौरिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, ये 4077 मतों से फाइनल जीत गए हैं और इनको जो कुल मत मिला है, बात करें तो 4,42,650 यानी कि 4,42,650 वोट जो आनंद भदौरिया पाए हैं। वहीं रेखा अरुण वर्मा की बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और ये तीसरी बार जीतती अगर तो हैट्रिक लगा सकती थी, लेकिन इनकी हैट्रिक लगाने का जो सपना है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। वहाँ की जनता ने भी जो है ये सपना उनका जो है चकनाचूर करने का काम किया। फिलहाल आपको बता दें कि रेखा अरुण वर्मा जो है वो 4,38,573 मत पाई हैं, वहीं आनंद भदौरिया 4,077 मतों से जीत गई हैं। जीत का अंतर कम है, जीत का अंतर माना जाएगा कम है, लेकिन अभी आपको बता दें कि जीत ये बढ़ी चल रही थी, 10,000 चल रही थी, 12,000 आनंद भदौरिया चले थे, लेकिन कुछ रुकावट आई, कहीं रिकाउंटिंग की बात भी सामने आई कि आखिरकार जब 6,000 मत पर आनंद भदौरिया बढ़े थे तो रेखा अरुण वर्मा की तरफ से जानकारी ये वहाँ से आ रही थी, जो वहाँ के कार्यकर्ता लोग लगा रही थी कि रिकाउंटिंग हो, वो चाह रही थी, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि चाह रही हैं कि रिकाउंटिंग हो, लेकिन रिकाउंटिंग जो लखीमपुर प्रशासन ने पूरी तरीके से निष्पक्षता से जो है वहाँ पर देखा और रिकाउंटिंग करने की नौबत नहीं आई, लेकिन जीत जो है आनंद भदौरिया की हो गई 4,077 वोटों से। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हर आदमी हर व्यक्ति की नज़र रेखा और आनंद के बीच तो लगी थी। आनंद को लेकर काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि वो चुनाव बहुत अच्छा लड़े हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आ गया और आनंद ने जीत दर्ज करा ली। अब अगर बसपा की बात करें, क्योंकि धौरहरा में बसपा प्रत्याशी पर बहुत बड़ा चुनाव टिका हुआ था, ये माना जा रहा था कि बसपा प्रत्याशी जितना वोट काट ले जाएगा उतनी ही जीत आनंद भदौरिया की सुनिश्चित हो जाएगी, तो बसपा प्रत्याशी कौन था और कितना वोट पाया? देखिए, बसपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने पूरी तरीके से भाजपा का खेल बिगाड़ने का काम किया और जो मायावती का है भी, जैसे कि चर्चा रहती है कि मायावती जो है वो पूरी तरीके से खेल बिगाड़ देंगी, वो यहाँ पर धौरहरा सीट पर यही हुआ। श्याम किशोर अवस्थी बसपा के प्रत्याशी थे, वो 1,84,964 मत पाए, तो 1,84,964 जो मत पाए हैं बड़े हैं और उन्होंने ही खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि 4,077 का वोट का अंतर जो ज़्यादा नहीं माना जाएगा। फिलहाल वोट एक भी कीमती है, एक वोट से भी जीत और हार का फैसला होता है, लेकिन श्याम किशोर अवस्थी ने बसपा के प्रत्याशी ने वहाँ पर खेल बिगाड़ने का काम किया और रेखा अरुण वर्मा का जो हट्टी लगाने सपना था वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। सर, तो श्याम किशोर अवस्थी का हाथी धौरहरा में ऐसा चला कि फूल मुरझा गया। और आपको बता दें कि अगर बसपा प्रत्याशी की बात करें तो कई लोकसभा क्षेत्रों में बसपा के प्रत्याशी 1,00,000 भी मत नहीं पा सके हैं और धौरहरा में 1,84,000 से अधिक मत पाना अपने आप में बड़ी बात है। और यही कारण है कि यहां पर आखिरकार वो आनंद भदौरिया, जिनको 2014 में रेखा अरुण वर्मा ने चुनाव हराने का काम किया था, उसका बदला उन्होंने चुकता कर लिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, धौरहरा लोकसभा सीट जिसका गठन 2009 में हुआ था और उसके बाद से यहां कभी भी समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं चल सकी थी। कांग्रेस ने खाता खोला था, जितिन प्रसाद पहले यहां के सांसद बने थे और उसके बाद लगातार दो बार से रेखा अरुण वर्मा सांसद होती आ रही थी और अब आनंद भदौरिया यहां पर सपा और कांग्रेस गठबंधन के सांसद चुन लिए गए हैं। ये धौरहरा वो सीट है
जहां रेखा अरुण वर्मा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनसभा को संबोधित करने आए थे। अमित शाह ने भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था उससे सटी हुई विधानसभा में। और इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी मोहाली में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित किया, बावजूद इसके वो चुनाव हार गईं। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव आनंद भदौरिया के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। अगर तुलना करें तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से आया था, और बल्कि अगर भाजपा की तरफ से देखा जाए तो कई हेलीकॉप्टर यहां पर उतरे, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन नतीजा आपके सामने है। और नतीजे में साइकिल निकल गई और कमल का फूल मुरझा गया। अब यानी कि धौरारा से आनंद भदौरिया निर्वाचित घोषित कर दिए गए, नए सांसद आनंद भदौरिया होंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता और विभू शुक्ला के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।